मैं आज क्लास 10th के अध्याय 8 के त्रिकोणमिति जो चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड में, तो मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा कि त्रिकोणमिति होती क्या है, कैसे क्या किया जाता है। तो क्लास 10th में त्रिकोणमिति जो पढ़ना है तो वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में पढ़ना है, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। एक समकोण त्रिभुज मेरे बनाते हैं, ये मैंने त्रिभुज बना लिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्व, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसको एच से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी लिखते हैं। और इसको बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं बी यानी बेस। अब देखना ये, अब मान के चलिए ए बी सी मान लिया कुछ नाम, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपको समकोण त्रिभुज। अगर थीटा इसको मानेंगे तो जस्ट इसके सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, अगर थीटा इसको मानेंगे तो जस्ट इसके सामने जो नीचे है वो बी सी क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग सी को माने, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है कि नहीं। उसके बाद अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या है। अब त्रिकोणमिति में 6 आइडेंटिटीज हैं जो अनुपात है आपका, ठीक है, उसके बारे में। सबसे पहला साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन थीटा। ये जो थीटा है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जैसे वो पाई होता है, लैम्डा वगैरह, ठीक। अब आपको इससे निकालना है तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, इसमें पी बटे एच कोस थीटा बराबर बी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। जस्ट इसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा कोस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कोट थीटा। जस्ट इसका उल्टा लिख देते हैं आपको, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, उसके बाद कोट थीटा बराबर बी बटे पी। ये आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब इसको याद कैसे रखना, इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। तो एक ट्रिक है क्या, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब इसको समझाने के लिए होता क्या है, तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब देखिए यहाँ से पंडित का पहला लेटर पी है, भोला का बी और प्रसाद का पी, हरी का एच, यहाँ भी हरी का एच और भोले का बी। तो इसका पहला ले लिए पी बटे एच मतलब साइन थीटा के लिए, बी बटे एच कोस थीटा के लिए, बी पी बटे बी टेन थीटा के लिए। उसके बाद नीचे लिखिए सोना चांदी तोल, इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन के लिए। ये पहला वाला आपका जो है पी अपोन एच, ये आपका हो जाएगा साइन के लिए एस पर साइन, बी बटे एच आपका क्या हो जाएगा कोस के लिए, और पी बटे बी आपका हो जाएगा टेन के लिए। तो इसको याद कर लेना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये जो आपका होता है पी बटे एच बी बटे एच, ये आता कैसे इसको बताते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा, तो कौन कौन बचा, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, मतलब इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर लंब के लिए क्या लिखेंगे पी स्क्वायर और आधार के लिए क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जरूरी है एच का तो एच बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा इधर स्क्वायर हटेगा तो ये होगी। इसको आप पहला
अगर एच जब जाइए, अगर आपके हिसाब में पी और बी दिया हुआ तो एच निकालेगा ये। अगर पी निकालना हो तब क्या कीजिएगा, तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये दोनों तो चेंज होता है, कभी बी के जगह पी, कभी पी के जगह बी हो जाता है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी भुजा है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन तीनों की मदद से आप कभी पी, कभी बी, कभी एच निकाल सकते हैं, ये आपका हो गया। फिर इसको भी आप स्क्रीन शॉट मार सकते हैं। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं, प्रश्नावली जो आठ दशमलव एक है उसमें आते हैं, उसका कोई एक सवाल लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है आपका प्रश्नावली 8.1 में, सवाल मैं लिख देता हूं यहां पर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, सिंपल सा ट्रिक है। जहां भी खास करके हिंदी मीडियम के यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है आपको क्या दिया है, बस जस्ट उल्टा कर देना, आकार लगा देना, दिया है। क्या दिया है, तो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो मैंने अभी बताया था पंडित भोला प्रसाद के हिसाब से कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक किसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा, तो कोस का क्या होता है पंडित भोला, तो बी बटे एच, तो बी बटे एच का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा कोस का उल्टा है, तो बी बटे एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा आपका। चलिए इसको हम लोग मान लिए। अब देखिए ध्यान से, दिया हुआ क्या क्या है, एच बराबर क्या हो गया आपका 13, बी बराबर क्या हो गया 12। अब देखिए इसमें पी गायब है, जो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है पी बी एच, तो उसमें पी गायब है आपका। आपको पी निकालने का फॉर्मूला बताया है, पी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होल रूट। अब देखिए मान रखिए आप, एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। एक चीज यहां बता देते हैं कि जब कभी भी इस तरह से लगातार दो अगर स्क्वायर और माइनस है तो दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 का निकाल लेंगे आप लोग, और दोनों 5 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे कर देते हैं, लंबा विधि से 13 का हो जाएगा 169, 12 का 144। चलिए इसको थोड़ा सा आप घटा दीजिए, 9 में 4 गया 5 बचेगा, 6 में 4 गया 2, 25 का कितना हो जाएगा 5। तो P का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। उसके बाद क्या बोलता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जितना बचा इसके बाद सेक थीटा को छोड़ के, तो टोटल 6 होते हैं, 6 में से आपका एक दिया हुआ, तो बचा 5। अब उस 5 का मान आपको बारी बारी से निकालना है, तो चलिए उस 5 का मान को निकालते हैं। सिर्फ याद रखना है कि कितना हो गया, एच बराबर 13, बी बराबर 12 और पी बराबर कितना है आपका निकाला 5, आप निकाले। चलिए उसको निकाल देंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा पी बटे एच, तो पी का मान कितना 5 निकला, 5 बटे एच का मान 13। उसके बाद कोस थीटा निकालते थे, क्या हो जाएगा बी बटे एच, बी का मान कितना 12 और एच का मान कितना 13 है। चलिए उसके बाद टेन थीटा निकालते हैं पी बटे बी, तो पी का मान कितना निकला 5 निकला है, और उसके बाद बी का मान तो दिया हुआ 12, और 2 निकालना है, साइन कोस टेन हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, कॉसेक निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा, तो एच बटे पी हो जाएगा, तो 5/13 है, तो क्या हो जाएगा 13/5। उसके बाद क्या निकालना है, कोट निकालना है, तो कोट किसका अपोजिट होता है, तो 10 का, तो 10 में क्या है पी बटे बी, तो इसमें क्या हो जाएगा कोट में बी बटे पी हो जाएगा,
पांच बटे बारह का क्या हो जाएगा, बारह बटे पांच। तो ये आपका शेष त्रिकोण में के अनुपात जो पांच था वो निकल गया। चलिए इसको बता सकते हैं आप लोग, चलिए इसके बाद प्रश्नावली जो आपका 8.1 है उसमें 1 to 11 जो मैथ है वो सारे के सारे सेम सम्स हैं, मतलब सभी के सभी हिसाब एक ही तरह के हैं। और हिसाब किस पे आधारित है तो लिख देते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपका किस पे है तो ये आपको बता है पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, वन से लेके इलेवन तक बस इसी को पढ़ना है, इसी को लगाना पे सारे के सारे में बन जाएंगे। उसके बाद सम्स के मसाले, ये जो हिसाब है तो इस हिसाब में मसाला कौन सा लगेगा, सम्स के मसाले, सम्स के मसाले तो कौन सा मसाला उसमें लगेगा कि हिसाब जल्दी से आपका बन जाए, तो इतना लिख लीजिए आप लोग। उसके आगे निकलते हैं, सारा का सारा मसाला लिखा देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, आपको बताया कि एच का निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला मसाला। अगर आपको निकालना है पी का मान निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको निकालना है बी बराबर तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीन तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो पी बटे एच बी बटे एच बताया उसके बारे में लिखाते हैं, ये हो गया। उसके अलावा आप इधर आते हैं, साइन थीटा बराबर, थीटा का जगह कुछ भी ए बी सी डी हो सकता है आपका, ई की बात कुछ भी, पी बटे एच कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, उसके बाद इसका जस्ट उल्टा है तो इस साइड में लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, उसके बाद sec थीटा बराबर h बटे b और cot थीटा बराबर b बटे b। ये सारा का सारा है, मैंने आपको कहा कि एक और ट्रिक बताऊंगा मैं, पहला ट्रिक आपको बता दिया कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। दूसरा ट्रिक क्या है आपका, सेकेंड ट्रिक, ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब वही आ गया, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, एस से भरा, मतलब इसका पहला लेटर पी बटे एच, बी बटे एच, उसके बाद पी बटे बी, वही हो गया, साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, तो हो गया ना पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी। जब आपको ये तीन मालूम होगा तो उसका सीधे अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो पी बटे एच पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका 8.1 जो आपका प्रश्नावली 8.1 इसी पूरे फॉर्मूला से बन जाएगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें, बस हल्का सा दिमाग लगाना आपको सारे मैथ बनाने के लिए, और तब तक आप एक मैथ बनाइए। इसके बाद मैं अगले वीडियो प्रश्नावली 8.2 लेके आऊँगा जिसमें डिग्री वैल्यू चार्ट के बारे में, उसके लिए भी मैं कुछ ट्रिक तैयार करूँगा आप लोगों को जो कि आप लोगों के लिए आसानी हो। तब तक आप लोग मैथ बनाइए और हमको दीजिए इजाज़त। जब तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किए, तब तक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको, तब तक के लिए।